हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजीन 10th पे। बच्चों, इस चैनल की खासियत ये है कि आपको मैं विद इन 10 मिनट्स में मैं टॉपिक बताऊंगा, इवन मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करके आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा पढ़ा है, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ा। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि अब आपको कोर्सेस नीट की 11 12th पास आउट स्टूडेंट और जो एक साल के हैं बच्चों, वो कोर्सेस लेने के लिए क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखते हैं कि एक तो डेली लाइव क्लासेस होती है, ठीक है। इसमें है कि कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर इंस्टेंट आपको बताएंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ होती है, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक समझाया जाएगा, क्वेश्चंस चारों सब्जेक्ट में। स्ट्रक्चर कोर्सेस है, कोर्सेस आपका सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा, सिलेबस टाइम पे खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब का आपका एक्सेस इसका अनलिमिटेड है, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। 12 या 24 मंथ्स का लेंगे तो। और यहाँ पे ये है कि आप मान लीजिए एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मान लीजिए टीचर फिजिक्स के 20 या 25 या 40 हैं, आप किसी का भी एक्सेस कर सकते हैं, है कि नहीं। किसी भी टीचर का लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ चार्जेस के बारे में देखते हैं कि एक मंथ जो बच्चों ये 10,16,000 था, ये कितना था 15,000। तो ये जो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ये 10, ये मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा, रेफरल कोड में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे एक मंथ का लीजिए बच्चों, पर मंथ 5,400 थोड़ा कॉस्टली है कि नहीं। 3 मंथ 4,500, ये भी कॉस्टली है। अब यहाँ देखिए 12 मंथ्स का 2,250, 24 मंथ्स का 1,350, कितना कम कॉस्ट है, ठीक है। तो आप सबसे बेस्ट आपके लिए 12 और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ए फ्लूड। अब फ्लूड मैकेनिक्स हम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ चैप्टर में पहले फ्लूड को डिफाइन करेंगे और कुछ डेंसिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम करेंगे। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, फ्लूड मीन्स सिर्फ क्या होता है, लिक्विड नहीं। फ्लूड का मीन्स है लिक्विड एंड गैसेस दोनों, है कि नहीं। इसको हम शेयर स्ट्रेस के फॉर्म में डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, लिक्विड क्या होता है। अब मान लीजिए कोई ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को एक बुक रखा है, मान लीजिए ये फिक्स है, आपने शेयरिंग स्ट्रेस लगाया, यहाँ पे फोर्स पैरल लगाते हैं, है ना। सॉलिड प्रॉपर्टी जस्ट अभी खत्म किया हमने, सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको देखिएगा जिस बच्चों को दिक्कत है उस वीडियो को, तो बताइए डिस्प्लेस हो गया इस तरह से, है कि नहीं। ये डिस्प्लेस, ये स्टेशनरी है बट अभी भी शेयरिंग स्ट्रेस लग गया है, ठीक है, इस सॉलिड के केस में। ये क्या है, सॉलिड के केस में। अब शेयरिंग स्ट्रेस अब जब लगाइएगा आप लिक्विड में, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कंटेनर मान लीजिए, इस सरफेस पे ये वाटर रखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस लिक्विड के केस में मैं क्या लगा रहा हूँ, लिक्विड। लिक्विड मीन्स क्या, लिक्विड में आपको हो जाएगा गैसेस, सॉरी फ्लूड में, फ्लूड में आपको क्या हो जाएगा, गैसेस प्लस क्या होता है, लिक्विड, है ना। चलिए दोनों को लिखते हैं फ्लूड में। अब जब यहाँ पे आप लगाइए ना, कंटेनर में पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, इसको कंप्रेस, ये शेयरिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेस में लगाइएगा बच्चों, तो यहाँ ये देखिएगा, ये सरफेस यहाँ सब बॉडी पूरी क्या होगी, मूव होगी। और बताइए सॉलिड में शेयरिंग स्ट्रेस एक लिमिट तक ही लगेगी ना, एक लिमिट तक फोर्स लगा रहे हैं, चलिए यहाँ जो एक लिमिट तक, बट शेयरिंग स्ट्रेस लिक्विड में या फ्लूड में कोई लिमिट तक नहीं, वो आपको शेयरिंग स्ट्रेस, आप जब तक फोर्सेस लगाते जाएंगे तब तक शेयरिंग स्ट्रेस होता जाएगा। ये पूरी जो है लिक्विड बच्चों, ये लिक्विड पूरी मूव करेगी, इसके जो कांटेक्ट में रहेगा ये ज़्यादा मूवमेंट होगा, उसके बाद इसका कम, उसके बाद इसका कम, ये धीरे धीरे मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है ना। तो शेयरिंग स्ट्रेस, चाहे अब ये चाहे दूसरे तरीके से ये डिफाइन कर सकते हैं, फ्लूड हम उसको कहते हैं जहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस अप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पे आपको क्या, एक कोई लिमिट नहीं रहता शेयरिंग स्ट्रेस का, आप पैरेलली फोर्स लगाया जा रहे हैं, लिक्विड मूव करता जाएगा, कोई लिमिट है क्या, नहीं ना। सारा फ्लूड क्या है, फ्लो होगा, स्टेशनरी नहीं रह सकता है, फ्लूड स्टेशनरी नहीं रह सकता, जबकि सॉलिड शेयरिंग स्ट्रेस में स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। इससे ये हो गया आपका फ्लूड का डेफिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं तो बच्चों, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे फ्लूड मैकेनिक्स में, एक तो रहेंगे पढ़ेंगे नॉन विस्कस, जैसे कुछ विस्कोसिटी आएगी तो वहाँ से हम विस्कोसिटी डिफाइन करेंगे, अभी जो पास्कल लॉ लगाएंगे या बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे। एक तो इनकम्प्रेसिबल, इन मतलब कि फ्लूड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, एक क्या नॉन विस्कस, ये दो फ्लूड हम स्टैंडर्ड आइडियल फ्लूड मान के चलेंगे, और अब कुछ जो टॉपिक्स आएंगे उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। विस्कोसिटी आएगी तो विस्कोसिटी में हम डिफाइन करेंगे, यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ नॉन विस्कस है,
जो पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज, ये सब जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या माने, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अब चलिए, अब डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी का देखते हैं। डेंसिटी होता है आपका मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे हम लोग। रिलेटिव डेंसिटी होता है बच्चों डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टांस, डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टांस किसके रेस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना, 4 डिग्री सी। ये होता है आपका क्या, रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान रखिएगा ये यूज आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका यूज करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस किसी रिस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। तो वाटर का ध्यान से रखिए, सुनिएगा, सीजीएस, वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सी होता है बच्चों। सीजीएस में देखेंगे, सीजीएस में तो ये होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया सीजीएस में। ठीक है, एमकेएस में देखते हैं इसको बच्चों, तो क्या होता है स्टैंडर्ड में, एसआई यूनिट में, तो होता है ये 1 kg per meter क्यूब। ठीक है, ठीक है बच्चों, सॉरी 1000 बच्चों, 1000 मिस हो गया, 1000 पर। आप देखेंगे ऐसा क्या होता है, ऐसा में 1000 per meter क्यूब। ठीक है ना, चलिए ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताया। और बच्चों ये भी याद रखिए, रिलेटिव डेंसिटी को कहीं कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। इस केस में, इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी आपने क्या समझा, कि डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टांस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। ठीक है, ये यूज करेंगे। वाटर डेंसिटी क्या होती है, 4 डिग्री सी, एट 4 डिग्री सी, सीजीएस में बच्चों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एसआई यूनिट क्या होती है, 1000 पर मीटर क्यूब, 1000 kg per meter क्यूब, 1000 kg per meter क्यूब। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे वाली वीडियो में, ध्यान, जस्ट इसके जब आगे वाली आएगी तो हम डेंसिटी के कुछ कंडीशन देखते हैं। डेंसिटी के कुछ कंडीशन, जब आपका मास सेम हो जाए, जब वॉल्यूम सेम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक को देखें और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरा बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरा रेफरल कोड याद रखिए, आदित्य। ठीक है, थैंक यू बच्चों।